बिलासपुर के उपायुक्त कार्यालय में आज फायर सेफ्टी को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें होमगार्ड्स व फायर सर्विसेज के जवानों ने भाग लिया। जवानों ने आग लगने के दौरान लोगों को बचाने के लिए किए जाने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के विभिन्न प्रदर्शन किए। साथ ही इस प्रदर्शन के दौरान खुद के बचाव की तकनीक को भी प्रदर्शित किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान डीसी ऑफिस के कर्मचारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल करके उन्हें राहत व बचाव की तकनीक बताई गई। एससी टू डीसी सिद्धार्थ आचार्य ने इस मेडिकल की अध्यक्षता की। सिद्धार्थ आचार्य ने बताया कि फायर सेफ्टी को लेकर जवानों ने अपने राहत व बचाव कार्य का प्रदर्शन किया। सभी प्रदर्शन बिलासपुर के डीसी ऑफिस में किए गए। रेस्क्यू से पहले खुद को बचाने की तकनीक को भी बखूबी प्रदर्शित किया गया है। बताना चाहता हूँ कि आज हमारे उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर में स्टेट लेवल जो मॉक एक्सरसाइज है ऑन फायर सेफ्टी, उसका एक सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। और इस एक्सरसाइज में उपायुक्त कार्यालय को ही इंसिडेंट साइट जो है वो चूज़ किया गया था। और इसमें जो इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल और मुजाहिरा हिमाचल होमगार्ड्स एवं हिमाचल फायर सर्विसेज के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स द्वारा दिया गया। ये एक जॉइंट एफर्ट था हिमाचल होमगार्ड, हिमाचल फायर सर्विसेज एवं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके अध्यक्ष माननीय उपायुक्त महोदय बिलासपुर होते हैं, DDMA, और इन तीनों डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन से ये इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।